145 के फिल्टर्स क्या क्या है गाइज, अपन बात कर लेंगे आज। ठीक है गाइज, फिल्टर वो होता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी में फिल्टर लगा दोगे ना, तो स्ट्रेटेजी और भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, एक छलनी आप लगा दोगे कि भाई इसमें से स्ट्रेटेजी जाएगी तो बढ़िया निकल के आएगी। इधर एक्यूरेसी रहेगी 70%, तो इधर रहेगी 85%। तो दिस इज द फिल्टर। आई होप गाइज आपने समझा होगा। ये फ्राइडे का चार्ट है और फ्राइडे के लेवल्स ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये बाप ऑफ चार्ट अपने प्री ओपन मार्केट में देता है। ठीक है, ये लेवल्स प्री ओपन मार्केट में देता है। तो मैंने ये लेवल्स क्या किए, सुबह सुबह आके मार्क कर लिए। ठीक है, मार्क कर लेने आपको ये सारे लेवल्स 145 को प्री ओपन मार्केट जो बाप ऑफ चार्ट का होता है, प्री ओपन मार्केट के लेवल्स दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 145 को कनेक्ट करना है, जो डॉट टू डॉट लेवल होते हैं, ठीक है, जो प्री ओपन मार्केट में बताता है वो कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको कमाल दिखेगा गाइस, आपको एक एक्यूरेट एक्यूरेट स्ट्रेटेजी आपको नजर आएगी। 145 प्लस दीज लेवल्स, ठीक है, दीज लेवल्स आप गाइस देख पा रहे होंगे। 145 पता है कहाँ ट्रिगर किया, यहाँ पे ट्रिगर किया 145 फ्राइडे को, यहाँ पे ट्रिगर किया। फ्राइडे का रूल क्या होता है कि 10 से 15 पॉइंट आपको लेके मार्केट से निकल जाना होता है, लेकिन इस फ्राइडे को जो ऐसा हुआ गाइस, यहाँ पे 145 ट्रिगर हुआ। ठीक है, यहाँ पे पॉप ऑफ चार्ट ने क्या कहा कि 930 पे अगर सस्टेन ना करे मार्केट, मतलब इसके ऊपर सस्टेन ना करे, तो मार्केट आ जाएगा नीचे 860 पे। अब जिन लोगों ने भी एंट्री ली थी 145 पे, वो लोगों को कम से कम यहां तक इंतजार करना है। ये देखो गाइस, इसको मैं बोलता हूं स्पेस। स्पेस का मतलब होता है जगह गाइस। ये जो वर्ड है ना स्पेस, इसका शेयर मार्केट से और इंट्राडे से बहुत बड़ा रिलेशन है। ये आपको मैं प्रो सीक्रेट बता रहा हूं, आपको प्रो सीक्रेट जिसको बोलते हैं। यहां पे आपको स्पेस नजर आ रहा है 90 पॉइंट्स का, और यहां पे आपको स्पेस है 30 पॉइंट का। ठीक है, 930 से 860 कितना स्पेस है, 90 पॉइंट्स का, और 790 17960 से 17930 स्पेस कितना है, सिर्फ 30 पॉइंट का गाइस यहां पे। तो यहां पे अपन को ट्रेड नहीं करना है ऐसे जोन के अंदर। ठीक है, 145 ट्रिगर हुआ यहां पे। देखो 145 का रूल क्या होता है, 30 पॉइंट का रूल होता है कि 30 पॉइंट ले लेने होते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये फिल्टर्स मालूम होगा कि भाई प्री ओपन मार्केट को आप कनेक्ट कर दोगे 145 से, तो आप 30 पॉइंट नहीं गाइस 50 पॉइंट भी लोगे, आप 70 पॉइंट भी लोगे, क्योंकि आप यहां तक इंतजार करोगे। आपको पता है प्री ओपन मार्केट में बाप ऑफ चार्ट ने बोल दिया 930 अगर सस्टेन नहीं किया तो 860 आएगा, और 860 आएगा तो 90 पॉइंट से गाइस, और 90 पॉइंट पता है आप इन द मनी रहते हो। 190 का जो बाय प्राइस करते हो आप रहते हो इन द मनी, डीप इन द मनी। तो इन द मनी आपने 190 बाय किया। ठीक है, एक बात आपको सीक्रेट बताता हूँ, जहां पे भी मार्केट में स्पेस ज्यादा हो वहां पे आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे, यहां पे आपको बिग टारगेट मिलेंगे। ये जो एरिया है इसमें आपको टारगेट मिलेंगे बड़े, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बड़े लेवल में जहां भी होगा आपको टारगेट अचीव होगा, और यहां पे आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। ठीक है, आप हमेशा 1 बाय 1 लेके जाते हो, 30 पॉइंट लेके जाते हो 145 में। ठीक है, ऐसी जगह में आप 1 बाय 2 लेके जा सकते हो आराम से। और गाइस मैं आपको बताऊं, फ्राइडे को 1 बाय 6 तक अचीव हुआ अपन को यहां पे। ठीक है, और यहां तक जिसने लिया 1 बाय 2 लिया, थोड़ा सा वापस गया, सबके एसएल लिया, जो भी जिसने भी ट्रेल कर रहा था, ठीक है, उसके एसएल ले गया और फिर नीचे आया गाइस। देखो 17860 ब्रेक किया और 17860 से सीधा आ गया 17800, और उसके बाद गाइस देखो कहां लो लगाया, यहां पे 17710 का लो लगाया गाइस। यहां पे मार्केट हुआ क्या कि मार्केट नीचे आया, आपने एसएल जो यहां पे रखा था वो आप यहां लेके आ गए। ठीक है, 145 के हिसाब से आपको लेके आना है। ठीक है, 190 पे जब एंट्री लिया, 215 पे आ जाए तो एसएल रख दो बाइंग प्राइस पे। ठीक है, तो 25 30 पॉइंट पीछे रहो। ठीक है, और उसके बाद जब भी आपको लगे कि नहीं यहां बुक कर लूं मैं, तो यहां तक ठीक है, कोई किसी को अगर सबर है तो वहाँ यहाँ भी बुक कर सकता है। तो गाइस ऐसे करके आपको आना है, तो पूरा ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है कि अरशद सर ने कहा या मार्केट हेमर्स ने कहा कि भाई जहाँ भी स्पेस हो वहाँ घुस जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। या इसकी भी एक्यूरेसी बहुत हाई एक्यूरेसी है स्पेस की गाइस। दिस इज ऑल अबाउट 145 फिल्टर, और भी बहुत सारे फिल्टर्स के वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिए गाइस। भाई आप बाप ऑफ चार्ट के लेवल्स भी देखा करें, और उस हिसाब से आप बड़े टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेलिंग एसएल जरूर रखना है। ठीक है, आपको पीछा करना है चीज़ का, पीछा नहीं करोगे तो फिर आप बोलोगे कि भाई मेरा तो घाटा लग गया। ठीक है, एसएल हमेशा लगाओ, जब भी मार्केट में आप ऑर्डर दो ना, ऑर्डर देते ही एसएल लगा दो,
ये आपका पहला रूल है, पहला रूल एसएल का है। उसके बाद जो रूल लगाते हो लगाते रहना, ठीक है। इस वीडियो पे ना लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर रुक गए ना लाइक और कमेंट, अगर कम किए ना आप लोगों ने, इतने दिनों की मेहनत में आपको नॉर्मल से बता दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको लाइक भी नहीं बनता है, अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे ना गाइस, तो मैं ऐसी चीजें लाना बंद कर दूंगा। इसको और डिटेल पढ़ लेते हैं। उसने ये लेवल दिए, ठीक है, तो अपन यहाँ पे आराम से 90 पॉइंट ले सकते थे। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था 930 से 860 तक, ठीक है। तो गाइस 145 ट्रिगर भी भयंकर जगह हुआ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 145 को आराम से होल्ड करना था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट डिटो काम किया गाइस। सो गाइस मार्केट हैमर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया गाइस, दिस वाज ए 145 फिल्टर। 145 का एक फिल्टर बताया मैंने अभी तो ये, ठीक है। 145 का कम से कम 5 से 6 फिल्टर्स मैंने अभी अब हमारी क्लासेस में बताया, ठीक है। 5 से 6 फिल्टर जिससे आपके एसएल कम हो सकते हैं, जिससे आप जल्दी एग्जिट कर सकते हो, जिससे आप अगर गलत एंट्री हो गई है उससे भी आप बच सकते हो। तो 145 गाइस, 145 बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आपको ट्रेंड क्लियर कर देता है। 145 किस लॉजिक पे काम करता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिधर ट्रेंड होगा उधर ये ट्रिगर होगा। 145 ने यहाँ पे अपन को कंसोलिडेशन से बचाया, ये भी एक 145 का फायदा है गाइस, कंसोलिडेशन से बचाया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड अपन को एक्टिवेट नहीं किया। तो गाइस 145 का फायदा क्या होता है कि आपको रेंज बाउंड मार्केट से बचाता है, आपको डिसिप्लिन रखता है ये, ठीक है, आपको डिसिप्लिन रखता है, एक ही ट्रेड आपको दिलवाता है, ठीक है। इससे आप ना भले ही आप एसएल खाओ 5 और टारगेट लो 5, फिर भी आप बराबर रहोगे। इसका मतलब आप इन दिनों में अपनी साइकोलॉजी सही कर लोगे, ठीक है। आप ना लॉस करोगे ना प्रॉफिट करोगे स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर आप सारी चीजें सीख लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर आप सोच रहे हो कि 145 से मैं प्रॉफिट करूं, तो आपको नहीं होने वाला, ठीक है। 145 से स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक्यूरेसी जरूर बढ़िया करेगा लेकिन आप लॉस करोगे। पता है क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी 75% भी होगा ना, फिर भी आप लॉस करोगे, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, आपकी साइकोलॉजी आपको हरा देगी। आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो आपको हरा देगा, ठीक है। पोजीशन साइजिंग में गड़बड़ी कर दोगे, उसमें हार जाओगे, अर्ली एग्जिट करोगे मार्केट में, अर्ली एग्जिट करोगे, तो उसकी वजह से आप एक्यूरेसी आपका भले ही 75% रहे, आप लॉस में ही रहोगे गाइस, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। अभी आपको माइंडसेट बनाना है, ठीक है गाइस। किसी बंदे को अगर 50,000 मिलते हैं ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि किसी बंदे को अगर 50,000 कोई दे रहा है सैलरी में, तो उसकी काबिलियत पे दे रहा है, उसकी कैपेसिटी पे दे रहा है, ठीक है। ये समझो कि मार्केट में आपको लॉस नहीं करना पहले, और गाइस 145 आपको लॉस करने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़िया है। आप अगर 5 बार जीत रहे हो 5 बार हार रहे हो, फिर भी आपको बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि पेशेंस बनाए रखना पड़े, ठीक है गाइस। 145 का फायदा क्या है कि 145 में आपको एसएल डिफाइंड है, ठीक है, एसएल आपको मिल जाता है, एंट्री आपको मिल जाती है, सब ये क्यों कर सकते हैं, एंट्री आपको मिल जाती है, टारगेट भी आपको मिल जाता है, सब कुछ तो आपको पता है। इसीलिए 145 में साइकोलॉजी थोड़ी सी बढ़िया रहेगी। और बस साइकोलॉजी में आपको क्या करना है गाइस, आपको फिल्टर्स थोड़े ऐड कर देने, ठीक है। जो बाप ऑफ चार्ट का प्री ओपन मार्केट के जो डॉट लेवल्स होते हैं वो काफी है 145 में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। मेरे फिल्टर्स और भी मैं आपको दूंगा कि और कौन से फिल्टर्स आपको 145 में यूज करने हैं, जिससे कि आप 145 में एसएल अपने बचा सको, एसएल कम कर सको, ठीक है। और गाइस बड़ा टारगेट ले सको, ठीक है, आप 1/2 ले सको 145 में, 1/3 ले सको, तो वो आपको तब होगा जब आप फिल्टर्स ऐड करोगे गाइस। और जो फिल्टर मैं देने वाला हूं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को दबा के लाइक करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक लाइक करना है, ठीक है। आप लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जोश नहीं आएगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो भाई वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो फिर वही बात है, आपसे सीक्रेट छुपा हुआ रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भाई आपसे सीक्रेट छुपा हुआ रहे। बाकी 145 का रूल क्या होता है मैं बता देता हूं। अपन को क्या करना पड़ता है, 920 पे आना पड़ता है मार्केट में, 925 तक अपन को देखना है मार्केट में, फिर एक सी और एक पी ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट के अंदर, ठीक है। एक सी एक पी ऐड कर लेना है, कौन सी रेंज का, 155 to 175, ठीक है, इस रेंज में होना चाहिए। इस रेंज में नहीं, कभी तो अगल बगल मिलता है, 177 भी मिल सकता है, 153 भी मिल सकता है, तो अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक सी और पी आपने वॉच लिस्ट में रखा, अब क्या करना है, रेंज क्या होगी, 155 से 175। और अब आपको क्या करना है, एंट्री कहाँ बन रही है, जहां भी जो भी हिट करेगा 190 को, थोड़ा सा होल्ड करेगा 5 से 7 सेकंड, उसके बाद आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद एंट्री बना ली आपने 190 पे, एंट्री बना ली 190 या 191 पे आपकी एंट्री बन गई, 192 भी बन गई। अब आपका टारगेट रहेगा 30 पॉइंट का, ठीक है, 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और बढ़िया टारगेट रहेगा 220 रहेगा, तो आपको कभी 28, 29, 26, 27 ऐसा पॉइंट मिलेगा।
लेकिन 220 का टारगेट रहेगा अमूमन, 1/1 तो आराम से रहेगा, और 1/2 कैसे रहेगा वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आपकी एंट्री चाहिए 191 पे रहे, 190 पे रहे, मैं प्रीफर करता हूँ 160 का SL, ठीक है। 30 पॉइंट का टारगेट है, 30 पॉइंट का SL है, कभी कभी आपको 1/2 मिलता है इस सिचुएशंस में, ठीक है। ये जो सिचुएशंस थी इसमें आपको 1/2 मिलता है, ठीक है। 1/2 भी मिला यहाँ पे, 1/3 भी मिला, 1/4 भी मिला। ये 145 का कमाल तो है ही, ये ट्रेंड का भी कमाल है, ये बाप ऑफ चार्ट का भी कमाल है, BOC बाप ऑफ चार्ट का भी कमाल है, जो डॉट लेवल देता है ना गाइस, भयंकर भयंकर। और यहाँ पे स्पेस का भी कमाल है, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे स्पेस रहेगा और वहाँ पे क्या होता है, स्पेस रहता है तो बड़े टारगेट्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अपन को, ठीक है। आराम से इंतजार कर सकते हैं ये टाइमिंग्स में। तो बाकी गाइस मैं स्पेस पे बहुत बेहतरीन और वीडियो बनाऊंगा, और भी बहुत सारे फिल्टर्स पे वीडियो बनाऊंगा, आप बस भाई लाइक कमेंट किया करो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई 145 के और वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल्स पे, बढ़िया से देखना है तो आपको मेरे चैनल्स पे जाओ और देखो, और टेलीग्राम चैनल गाइस डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। और मैं नहीं जानता मैं कि मैं बहुत बड़ा एक ट्रेडर हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लॉस कहाँ नहीं करना है गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।